हर बात रंगीली होती है जब शाम सलोना होता है। मन पल पल मेरा उन्हीं को पुकारे, कि हम हैं मैं।
दिया उससे वो सुख मिला नहीं। वो सुख कब मिला? जब मुझको ये लगा कि मैं तेरा हुआ और तू मेरा हुआ। फिर कुछ दिनों बाद लगा कि हाँ यही तो सच है। हुआ क्या, मैं तो हूँ ही उसका और वो तो है ही मेरा। उनको तो पहले से पता है, वो तो सब जानते हैं, वो तो जानियों के जानन हार है। मैं ही भूला हुआ था और जब याद आया कि दिल तो उसी का है और जिसका है जब तक उसको नहीं दोगे तब तक ये दुख देता ही रहेगा। जिसकी चीज है उसके पास जाएगी वहीं पर सेट होगी वो। लेकिन भूल कहता है मैं उफ तक नहीं करूंगा।
और इसका मुझे प्रसाद क्या मिला, मुझे सांवरे ने अपने दिल से लगा के रखा। छोटे छोटे दुख में हम भगवान से इतनी ज्यादा शिकायत करते हैं। फूल कहता है मैं तो दिल्ली चिरवा के बैठा हूँ, उफ नहीं करता हूँ, ऐसे पाता हूँ शाम को। मैंने सांवरे छोड़ते हैं।
राधा रानी तुझे ले लेती, तो तेरे तो बड़े आनंद है। कृष्ण छोड़े तो श्री जी पकड़ ले, और श्री जी छोड़े तो कृष्ण पकड़ ले। तूने क्या पुण्य किया ऐसा? तो बंसी कहती मनुष्य से, कहते सुन मानव, मेरा नाम बंसी नहीं है। पहले कभी मेरा नाम बांस हुआ करता था, बांस हुआ करता था। बंसी बनने के लिए मैंने क्या किया सुन। बांस कहता मैनू, बांस कहता मैनू बनाई छोड़िया। खाली कर दिया मुझको। क्या कहना चाह रहा है कि खुद को खाली कर दो। जब तक खाली नहीं होगे तब तक हरि का नाम भरोगे कैसे? जिस बर्तन में, जिस पात्र में पहले से ही बहुत कुछ भरा हुआ है, भगवान कहते हैं क्या भरूं इस समय? कहां बैठूं मैं? खाली करो जगह पहले। मंदिर में जब नई मूर्ति सजाते हैं तो थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, फालतू का सामान हटा देते हैं। बस वास कह रहा है फालतू की चीजें मन में से हटा दो। मैंने तो सारी हटा दी, मुझे तो खाली कर दिया। और केवल खाली नहीं किया, फिर एक पेच लेके मुझे एक 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 मुझ में न जाने कितने छेद किए। छलनी हो गया शाम के लिए मैं, और फिर मैं शाम की बंसी बनी। बस कहता मैं पकड़ी लो हाथ में।
जिन छोड़ सके तो हमारा कुछ न इतनी बातें करूं और जाते वक्त मान लो मैं कहीं गिर जाऊं, चोट लग जाए, सर फट जाए, कुछ भी हो, तो शायद बड़े बुजुर्ग न बोले, पर आजकल के जो मेरे युवान भाई बहन हैं उनको भक्ति के मार्ग पर लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि तर्क चाहिए उनको हर बात का, उनके पास सवाल है उस पर उत्तर चाहिए कि ये हम माने तो क्यों माने। तो वो कहेंगे कि देखो दो 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 तीन तीन घंटे भगवान का भजन करने वाले, ये दस दस माला पहनने वाले, कंठी तिलक धारण करने वाले, यही गिर पड़ गए, इनका ही माथा फूट गया, भगवान ने इन्हीं को नहीं संभाला, इन्हीं का हाथ नहीं पकड़ा, तो हमारा क्या पकड़ेंगे जो हमको बाते ही नहीं है, फिर हम क्यों बाएं। तो भगवान अगर हम गिरे पड़े, हमको कुछ हुआ तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो यहाँ से उठ के कहीं और भजन करने चले जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा,